आवे भारे भात खाना खड़ा अपना अपना थक लिया है चमा चमा पर खाड़ी तब भात खा जाओ भारे हम तो ये दीपू तो था हम बस पर बड़े जानता ना ये यकीन नहीं होगा कि ये बच्चे ने इतना विकास कर दिया जिसको देखो तुम वही गांव का छा जय गांव को दीपू फटवाल से मेरे पास हाँ हाँ वही गांव का छा कहाँ बढ़ेगी बड़ी दिक्कत वाली बात है भैया। मैं यहाँ इधर उधर कई जगह ऐसी अफवाहें फैल रही हैं कि भले दीपू पटवाल की भले मतलब बात हो रखी है शादीवादी होने वाली है। अभी दोस्तों जब तक हमारा घर नहीं बनता तब तक हमारा कोई विचार नहीं है। मैं देखूंगी अभी अपने देवर के लिए दीप रहा। अच्छा पक्का? हाँ। ये पक्की बात है। पक्की बात है। सुबह सुबह की तो शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, बट यहाँ देखो कैसी शुरुआत हो रही है भाई। सुबह सुबह पढ़ रहे हैं ओले, बड़े ही खतरनाक ओले। अरे सर भाई अभी कहाँ जा रहे हो तुम? ओले पढ़ रहे हैं। क्या हाल चाल है तुम्हारे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। राम राम। राम राम। जय श्री राम। जय श्री राम। भाई दोस्तों यहाँ देखो ओले पढ़ने स्टार्ट हो गए। अरे 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 आप कहाँ चल दिए? ओ अंदर जाओ भैया। बारिश तो शुरू हो ही चुकी है दोस्तों। सुबह सुबह क्या करें यार, आजकल का मौसम कुछ ऐसा ही हो रखा है भैया। क्या बताएं यार, मौसम बड़ा खतरनाक हो रखा है। अरे यार यहाँ देखो भाई साहब अब उठ रहे हैं हमारे। तो दिल मार गाना तुमका घूमची। आ गई है भाई चमचमाती धूप और आ गए हैं हमारे अक्षत महाराज। आज इनके बाल काटे जाएंगे सुबह सुबह। है अक्षत बाल काटने तेरा? कोयल कटिंग कराना है? गोल कटिंग है? फौजी कटिंग? अच्छा सीन कटिंग, ठीक। चलो भाई हमारे भाई लोग भी उठ गए हैं। गुड मॉर्निंग भाई लोगों। चलो भाई देर से उठे पर उठ ही गए। मिल दोबारा आज मुश्किल ही उठ लो तो। हाँ यार सुबह सुबह बारिश भी हो गई। बाकी दोस्तों यहाँ देखो कालू के लिए और सेठे के लिए पट्टा आया है। कालू पे ये वाला बढ़िया लग रहा है यार, लाल वाला है। कालू ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है। बाकी इधर देखो भाई दोस्तों ताऊ जी की तैयारी भी हो गई है इनको ले जाने के सीधा सारे में। बड़े जी राम राम। मेरे वाले ड्रेस कोड बड़े लाओ ना। हाँ एक महिला खाना खा रही थी और गोलू का वीडियो देख रही थी। क्या काम है? ये तो बड़ी कमाल बात हो गया है बड़े जी। राम जी हम तो ये दीपू तो था हम बस पर बड़े जानता ना, लेकिन आज भी हमको हम तो ये यकीन नहीं होगा कि ये बच्चे ने इतना विकास कर दिया जिसको देखो तुम वही गांव का छा जय गांव को दीपू फटवाल से मेरे पास हाँ हाँ वही गांव का छा। बाकी दोस्तों यहाँ सुबह सुबह रोटी बनाने की तैयारी चल रही है, तो भाभी यहाँ पर रोटी वगैरह बना रही है। माँ भी कुछ काम से गांव में गई हुई है तो रोटी बन के लगभग शायद तैयार हो गई है। राम राम जी। हो गई रोटी बन के तैयार? आज सब्जी में क्या है? आलू गोभी मटर। क्या बात है भाई साहब, बड़े गजब बनाते हो आप हैं, डेली वही बनाते हो आप हैं। मौसम की बात दोस्तों कुछ ऐसी है कि धूप का तो आना जाना लगा है, धूप आ रही है और जा रही है, तो धूप का आना जाना ऐसे ही लगा रहेगा पूरे दिन भर। तो चलिए हम अपनी वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सुपर बात दोस्तों, सबसे पहले प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और हम भी एकदम मस्त है। तो चलिए एक बार फिर से नई वीडियो की नई शुरुआत करते हैं। आइए फिर कुछ खास करते हैं दोस्तों। मेरा नाम है दीपू पटवाल और मेरे गाँव का नाम है कंडोली छोटी, जो की डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। फिलहाल तो दोस्तों दीवा डांड वैली के हाल कुछ ऐसे है। आगे आगे थोड़ा सा मौसम साफ हो रखा है और थोड़ा पीछे पीछे थोड़ा मौसम हल्की सी धुंध लगी पड़ी है। मौसम की वजह से दोस्तों नेट वगैरह बहुत ही कम चलता है, तो मेरा जुगाड़ देखो यहाँ पे मैंने ऐसा छाता लगा रखा था। मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी तो यहाँ पे मैंने अपना फोन रखा हुआ था और उसके ऊपर छाता सुबह सुबह क्योंकि बारिश आ रही थी। ये लोग दोस्तों घाम तापने के लिए बाहर आए थे, बट क्या करे घाम ने इनको धोखा दे दिया। अभी हवा खा रहे हैं। चलो भाई माँ भी आ गई है घर में बिल्कुल बढ़िया से। अब पता नहीं क्या ला रखी है। क्या ला रखे सर भाई? गोलू दरी दी। अरे वाह यहाँ देखो मेरे लिए आ रखी है भोरी रोटी। बोले तो गैद की रोटी होगी ये है ना? गैद की रोटी है दोस्तों, यहाँ देखो पैक करके दे रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद बोड़ी जी का भी। ये रही भाई दोस्तों बोड़ी जी ने जो रोटी भेजी थी, तो इनके अंदर का मसाला देखो कुछ ऐसा है।
ये गैत है तो गैत को ढंग से पीसना पड़ता है और उसके बाद इनकी रोटी बनाई जाती है इसकी बिल्कुल बढ़िया से। तो इनको हम अपनी भाषा में भुरा रोटा बोलते हैं, बोले इनके अंदर मसाला भर दो तो भुरा रोटा हो गए। सुबह के नाश्ते में दोस्तों यहाँ देखो मस्त करके बिल्कुल बढ़िया सी यहाँ पे सब्जी बनी हुई है आलू मटर और गोभी की, तो जो हमारे भाभी जी ने बना रखी है। भाई साहब तुमने नहीं बनाई? नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो अब भाभी रख रही है यहाँ पे दूध और अब खाएंगे। बाकी भाई साहब लग चुके हैं हमारे भुरा रोटा खाने पे, यहाँ देखो अलट पलट कर दिया उन्होंने। तो तीन लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पे दूध रखा हुआ है, बाकी माँ तो चाय के शौकीन है तो चाय पिएगी। तुम दूध क्यों नहीं पी रहे भैया? चलो कोई बात नहीं, हम पिएंगे दूध है, तुम चाय पियो, तुम चाय छटकाओ। भाई गांव वालों की पूरी टोली देखो गोरो की एक साथ चली गई है, चार टोलियां थी चारों एक साथ और अब जाके वो एक साथ मिल गए हैं और आधे यहां जाके ठीक यहां नीचे चले गए हैं। बाकी आज दोस्तों कार्यक्रम ऊपर है, कल 13वीं हुई थी, रात को खाना था तो आज दिन में भरम भोज होगा तो कुछ ही देर में वो भी हो जाएगा। फिलहाल तो फुआड़ में खाना वगैरह बन रहा है। गांव में दोस्तों जब लोग खाना खाने के लिए बुलाते हैं ना तो इसी तरीके से दही वगैरह लगाई जाती है। बाकी अभी खाने खाने का टाइम हो गया है तो लोग धीरे धीरे करके आ रहे हैं खाना खाने के लिए। तो यहां पर फुहार लगा हुआ है तो यहीं पर खाना वगैरह बांटा जा रहा है बिल्कुल बढ़िया से। बाकी मौसम देखो, मौसम तो बहुत बेकार हो गया है तो लोग आ रहे हैं और फिर घर को ले जा रहे हैं। चलो भाई अभी माँ भी आ गई है मस्त करके, देखो ये भीम लेके सारे गई थी और सारे से लेके आ गई। अरे तुम खाना खाने क्यों नहीं आए फुहाड़ में? और कहाँ से आएंगे, हम तो अब आ रहे हैं भीम से। ये झुमकी आ गई तुम्हारी? झुमकी मेरी है। यहाँ देखो भैया हमारी तुम भी ठीक टाइम से घर में पहुँच गई आज। अभी माँ और भाभी का खाना भी होने लग गया है दोस्तों। माँ लोग वहाँ फौड़ में नहीं आए तो इनके लिए हम घर ही में ले आए थे खाना, तो अभी मस्त करके खाना पीना खा रहे हैं। तो भाई मीठा वाला भी है ना, ठीक लगता है तुमको मीठा बात? ठीक लगता है पर बात ज्यादा क्यों ले? कहाँ लाए ज्यादा, वो तो उनके हिसाब से भी दिया ना, कुकी के भूकी के हिसाब से भी दिया हो तब जाके ज्यादा हो रखा हो क्यों जी? हाँ जी। तो दोस्तों माँ के लिए ना हम फुहाड़ से ले आए थे भात, बाकी भाभी ने अपने लिए घर में ही बनाया तो बाहर का नहीं दे रहे हैं हम भाभी को, तो भाभी घर का ही खा रही है। बाकी भाई का रहा दोस्तों यहाँ पर बाहर ही रखा हुआ है तो आजकल इसको अभी यहाँ पर बाहर ही रखे रहते हैं। बाकी अभी स्कूली बच्चों के अगर छुट्टी होती है तो उसके बाद वो तुरंत से आएंगे और इसको लेके सीधा रोड में चले जाएंगे। चलो भाई 2 बजे का टाइम हो गया है दोस्तों और हमारे सचिन भाई की तैयारी हो गई है मरखोला जाने की, तो भाई साहब एक आध दिन और रुक जाओ जरा। नहीं यार भाई यार। क्यों यार रुक जाओ यार, यहाँ ठीक नहीं लग रहा तुमको? यहाँ ठीक नहीं लग रहा तुमको? बोल रहे की ब्याल बढ़ाओ अभी तक ध्यान नहीं पहुंच। तो हमारे सचिन भाई का गाँव है मरखोला, बोले तो यहाँ से ये गांव दिख रहा है मल्लाकांडा, ठीक उससे तेलाकांडा, तेलाकांडा से ज्यादा से ज्यादा 2 किलोमीटर होगा ना? बस 2 किलोमीटर ही यार। आके यहाँ पे देखो भाई बोड़ी हमारी मस्त करके लगी है भांडों की बिल्कुल धुलाई करने पर टन मार के। अभी अब लगे हैं जो यार तुम? अरे क्या कर रहे हो तुम पोड़ी सब है मुश्किल तो भाई बड़ी दिक्कत वाली बात है भैया। क्या हालता है
अब मंगान पाला भैर बड़ी अभी सचिन भाई के साथ मैं भी जा रहा हूँ ठीक मरखोला तक, उनको उनके घर में छोड़ाऊंगा, उसके बाद गाड़ी ऊपर लेके आ जाऊंगा। बाकी आज गाड़ी हमारे सचिन भाई चलाएंगे, हैवी राइडर हैं तो ये चलाते हैं 350, इनको तो ये वाली कुछ भी नहीं लग रही होगी। चलो आज इसका भी एक्सपीरियंस कर लो, है ना। सचिन को छोड़ के दोस्तों मैं आ गया था बिल्कुल बढ़िया सा, और अभी घर में पहुंच चुका हूँ टर्न मार के। रोड के हाल इतने खराब हो रखे हैं ना बारिश की वजह से, और ज्यादा खराब, पहले खराब थी अब और ज्यादा खराब हो गई। बाकी ठंड का मौसम है तो भैया चाय चाहिए होगी, तो हम चाय पियेंगे अभी। और यहाँ देखो पूरा थल्ला भर कर रखा हुआ है। अरे वाह, माँ लोग भी आ गई है, भाभी भी आ गई है। भैया तुम सुबह भी पिंडा ला रहे हो, शाम को भी? सुबह ओह, इनको देखो, इनको देखो, ये कहाँ घूम रहे, ये कहाँ घूम रहे हैं? ये हमारे साथ। गले का कहाँ गया उसका? सर काट दिया, सर वो फट गया, निकल गया, वो था ओमड़े कह दिया एक ही दिन बराबर वो बुए था। ओहो यहाँ देखो भाई, हमारे कालों ने क्या हाल कर दिए अपने स्कूल बंद के। ले पहन ले, खाना 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 ऊपर गया तब जला। इनका बड़े की तो कतर चिपकानी थी। ओहो यहाँ देखो इसको भाई, ठीक छन्नी के लिए यहाँ पे रोटी लेके गए थे वहाँ बिंदी के लिए, और बिंदी की बहन के लिए चंपा के लिए, अरे वहाँ से उठा के लिए आए, उठा के लिए। भूख लगे तेरे को, भूख लगे तेरे को? हम दिया भैया वो तो पहले दे जाना, हम क्यों नहीं जाते बोले? तो मैं चप पकड़िया मैंने तो रोज लगा बढ़ गयू बिंदी बिंदी भैया दो रोज और हेलो क्या 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 आओ आ एक बार फिर से दोस्तों मेरी माँ की तैयारी हो गई है गाजर का हलवा बनाने की। तो माता जी ये बताओ पहले कि किस उपलक्ष में बन रहा है ये आज? ये कुछ उपलक्ष में नहीं बन रहा है। कुछ उपलक्ष में नहीं बन रहा है? अच्छा अच्छा, भाई बना दो। तो सुर भाई एक बात बताओ, सच सच बताना है, पूरे गांव में या इधर उधर कई जगह ऐसी अफवाहें फैल रही हैं कि भले दीपू पटवाल की भले मतलब बात हो रखी है शादीवादी होने वाली है कहीं, भले ऐसा कुछ है क्या? नहीं ऐसा तो नहीं है। सच बताओ यार, तो लोग बहुत सारे लोगों के मुंह से भी सुन लिया मैंने, बोल रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, सच में है ये चीजें? हैं जाएगा वो हो जाएगा, हो तो जाएगा, पर मतलब है क्या सच में कि खोज रखी है भले दीपू पटवाल ने कई बार? नहीं खोज रखे ना पक्का? नहीं। बाकी बात है, बाकी बात है। तो क्यों बोल रहे हैं लोग ऐसा यार? पता नहीं लोग बोल रहे होंगे कि हम वो पौड़े ही खाएंगे। अच्छा पौड़े खाएंगे, जल दिखाना चाहते मतलब पौड़े। तो भाभी को पूछते हैं, भाभी ये पक्की बात है क्या जो ये खबर फैल रही है, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं है ना ऐसा कुछ? नहीं। आप हंस रहे यार, लोग समझेंगे कि यार है ऐसा कुछ, सीरियस होके बताओ ना, सच में है क्या? सच में है ऐसी कोई बात? नहीं है ना पक्का? तो भाई दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है यार, ऐसी वायरल हो रही है आजकल खबर की बोला दीपू पटवाल ने लड़की खोज रखी है, ऐसा वैसा है, तो ऐसा कुछ नहीं है ना सुर भाई? नहीं। पक्की बात है?
मैं तो तुमको सब कुछ बताता हूँ यार। तुम कहाँ बताते हो, पहली बार नहीं है दोस्तों। अभी तो नहीं ढूंढी लड़की, पर जब हम अपना मकान बना देंगे तो उसके बाद हम बहुत जल्दी ढूंढ देंगे लड़की को। जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा तो हम बहुत जल्दी ढूंढ देंगे लड़की को। अभी दोस्तों जब तक हमारा घर नहीं बनता तब तक हमारा कोई विचार नहीं है, पर जब घर बन जाएगा तब विचार बन जाएगा। मैं देखूंगी अभी अपने देवर के लिए दीप रंग। अच्छा पक्का? हाँ। ये पक्की बात है? पक्की बात है। मुकरना मत बाद में। हाँ ठीक है। पक्का? हाँ। ये पक्की बात हो गई? पक्की बात। चलो पक्की बात हो गई। तो भाई दोस्तों अभी तो हम गाजर का हलवा बना रहे हैं, बाकी खाने की तैयारी भी कुछ देर में करेंगे। और यहाँ देखो भाई दोस्तों ये मिठाई का डब्बा हमारा लड़का आ रखा है घर, वो लेके आया इस डब्बे को। अभी मस्त करके दोस्तों भोजन ग्रहण कर लिया है और साथ ही जो गाजर का हलवा बन रहा था उसको भी थोड़ा सा टेस्ट किया। बाकी जितना भी ग्रहण किया जाएगा वो सुबह ही ग्रहण किया जाएगा, क्योंकि यार मुझे गाजर का हलवा ना ठंडा ही बढ़िया लगता है, गरम गरम खाया नहीं जाता बिल्कुल बढ़िया से। वैसे गरम गरम ज़्यादातर बढ़िया लगता है बट मुझे ठंडा ही ठीक लगता है। बाकी दोस्तों यही था आज के पूरे दिन का हाल। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आप सबको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।